हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सुस्मित संखे। आज मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ एप्पल आई वॉच अल्ट्रा, और मैं आपको बताऊंगा इसको सेटअप भी कैसे करते हैं। कैमरे को जरा यहाँ पे ले लेता हूँ, तो पॉइंट करता हूँ इसके पास। तो जरा बाजू में रख देते बॉक्स को। तो लिखा है अल्ट्रा टाइटेनियम केस 49 mm ग्रीन अल्पाइन लूप। मैंने तो ब्लैक लिया था यार, देखने थे मुझे। चलो देखते हैं बाद में, अगर मैं मेरा ऑर्डर देखूंगा, अगर ब्लैक रहेगा तो एप्पल में रिपोर्ट कर दूंगा कि मेरे को उन्होंने ग्रीन भेजा है करके। चलो तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। इस बार क्या पैकेजिंग दी है यार, ऐसा लग रहा है पूरा माउंट एवरेस्ट इधर डाल दिया है। अल्पाइन ओशियन ट्रेल जो बुकलेट दी है अल्ट्रा की, इसको देखते हैं। टर्न वायरलेस चार्जर, एक्शन बटन, ओके। लास्ट में और कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, बाद में पढ़ेगा इसका। सही में ग्रीन ही दिया है इन लोगों ने, मैंने ब्लैक ऑर्डर किया था। तो पहले बैंड को अनबॉक्स करते हैं। स्टिकर से बैंड कैसे लगाना है उसका फोटो बताया उन लोगों ने। इसको भी ज़रा बाजू में रख के बैंड निकालते हैं। बहुत लाइट वेट है यार, 49 mm, शायद से मेरे हाथ में अच्छे से फिट हो जाएगा ये। हाँ, बड़ा स्मॉल साइज़ लिया है मैंने। तो इसको बाजू में रखते हैं, बैंड को यहाँ पे रखते हैं। अभी मेन चीज़ को अपना अनबॉक्स करते हैं, अल्ट्रा टाइटेनियम केस 49 mm। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या है इसके अंदर। ओ, चार्जिंग केबल है, टाइप सी टू चार्जर है। वाह, इन लोगों ने केबल चेंज कर दिया इस बार, पहले प्लास्टिक आता था, अभी ब्रेडेड केबल आ रहा है। अच्छा, एटलीस्ट ये केबल चार से ज़्यादा टाइम चलेगा। वैसे भी मेरा जो पहले का वॉच है उसका भी केबल, इसको 3 साल हो गया, सीरीज 5 है, कुछ नहीं हुआ केबल को, अभी भी चल रहा है। इसको रखते हैं बाजू में, भी ओपन करते हैं अपने अल्ट्रा को। मुझे लगा था बड़ा हेवी रहेगा, पर नहीं यार, बड़ा लाइट वेट है ये। वाह, सही लग रहा है यार। नीचे जो है सिरेमिक के सैफायर क्रिस्टल, GPS, LT, 40 mm तक ड्राइव कर सकते हैं इसको, पानी में लेके जाओ। 49 mm टाइटेनियम एंड सिरेमिक केस, देखो क्या लग रहा है यार। इसको स्टार्ट करते हैं, रुको।
तो के स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको ये बेल्ट लगा देता हूँ। मुझे ट्रेल वाला बेल्ट चाहिए था पर वो अवेलेबल नहीं था, वो अवेलेबल होगा 2 महीने बाद, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला बेल्ट लिया। पर ये वाला बेल्ट भी अच्छा है यार। ओके आईफोन ब्रिंग टू द नियर, ये वाले 5 को निकाल देते हैं, अभी मेरे को 5 की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके कंटिन्यू, कनेक्ट कर रहा हूँ, सेटअप फॉर माई सेल्फ, यस। चलो योर एप्पल वॉच स्पेयर, कंटिन्यू। चलो स्टार्ट तो हो गया, अभी ये लोग मुझे सेटअप करने बता रहे हैं, तो ये जो एक्शन बटन है उससे क्या करना है। अभी के लिए तो मैं सेटअप लेटर इन सेटिंग कर देता हूँ, डोंट ओपन विथ, ये भी मैंने जो डेप्थ ऐप है उसका भी डोंट ओपन ऑटोमेटिकली, कंटिन्यू, ग्रिड व्यू या कंटिन्यू, गेट टू नो योर वॉच, ओके डन, ये सब बाद में देख लूँगा मैं। चलो वॉश तो हो गया, सिंक हो रहा है मेरे फ़ोन से, इसके बाद वॉश स्टार्ट हो जाएगा। अब वॉच स्टार्ट तो हो गया, बड़ा सही लग रहा है। पहले मुझे लगा था कि बहुत बड़ा है, मेरे हाथ में सेट नहीं होगा, पर बहुत सही लग रहा है यार वॉच ये। टाइटेनियम, ये स्टेनलेस स्टील था, ये टाइटेनियम है और बहुत लाइट वेट है यार, इससे भी, ये 5 से भी ज्यादा लाइट वेट है, बहुत बड़ा होके भी लाइट वेट लग रहा है मुझे। बाद में मैं इसके फीचर्स देखता हूँ क्या क्या है। अभी ये GPS वॉच है, इसके अंदर मेरे को सिम ऐड करना पड़ेगा, सिम ऐड करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये वाला वॉच है सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, भूलना मत मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, सी यू।